नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं राकेश, आप लोग के सामने और स्वागत करता हूं। ये वीडियो डे 14 का वीडियो नहीं है, बेसिकली इंटरेक्टिव वीडियो है। डे 14 का वीडियो इसके बाद आएगा। UPPCS 2019 की परीक्षा 15 दिसंबर को होनी है, उस विषय में कुछ बात कर लेते हैं। मैं मानता हूं कि आप सभी लोगों की प्रिपरेशन शानदार चल रही है और ऐसी शानदार प्रिपरेशन बनाए रखिए, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य के अंतिम स्वरूप तक पहुँचने के लिए अगर देखा जाए तो प्रिपरेशन को लगातार साउंड रूप से बना के रखना जरूरी होता है। आप लोगों को पता है कि प्रीलिम्स की परीक्षा हर बार की तरह छठनी परीक्षा होती है, लेकिन इस बार का जो प्रीलिम है वो लगभग मेंस के बराबर वेटेज रखता है। बिकॉज इस बार देखिए, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई कराए जाएंगे वो काफ़ी कम हो गए हैं पिछली बार के मुकाबले। तो बहुत ऐसे लोग भी होंगे जो कई बार से मेंस लिख भी रहे हैं, फिर भी इस बार का प्रीलिम क्लियर हो जाएगा, ये संभावना 100% नहीं मान सकता कोई। दो तीन रीज़न जैसे बताए कि आयोग ने क्या कर दिया। लगभग आयोग UPSC पैटर्न की ओर जा रहा है, उसके बाद जो मेंस के लिए प्रपोर्शन घटा दिया गया है, है ना। इस बार अगर सीटों का लिहाज से अगर देखें तो मेरे हिसाब से 5000 से ज़्यादा लोगों को क्वालिफाई नहीं कराया जाएगा, कहाँ पहले 12-14 हज़ार लोगों को लिया जाता था। तो ये कुछ चीज़ें हैं। मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें बताया था कि मैं कैसे क्या डील करना चाहिए 1 महीने पहले। वही चीज़ लेके आए कि ये अब 28 दिन रह गए, आखिरी के 28 दिन रह गए, कैसे हमें चीज़ों को लेकर चलना है। सबकी अपनी अप्रोच होती है, सबके अपने दायरे होते हैं, मैं मानता हूँ, सबका सम्मान है और मैं कोई यहाँ पे ये अजमाया हुआ नुस्खा नहीं है। हाँ, लेकिन इस नुस्खे पे अगर मैंने वर्क किया है तो इसे फ़ायदा मिला है और आप वर्क करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, तो ये आपका आइडिया बन सकता है। अगर इसको देखा जाए तो मुख्य रूप से 1 महीने में हमें ऐसा क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी प्रिपरेशन को एक एज मिल जाए, है ना, हमारी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी हो जाए। जैसा मैंने पिछली बार ही बताया था कि आप लोग अगर देखेंगे तो UPPCS का जो प्री है वो दो पेपरों को मिला के होता है, मतलब कि फॉरेस्ट वाला प्लस कॉमन वाला, है ना, सीधी भर्ती जो साधारण जो सिविल पोस्ट होती है उन दोनों को मिला के होता है। तो फॉरेस्ट वाला होने से क्या सीधा सीधा इफेक्ट पड़ा है, ये पोर्शन आपका ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव हो गया, मतलब इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और आखिरी के समय में क्या किया जाता है, बेसिकली आपने जो साल भर पढ़ा है उसको रिवाइज किया जाता है और कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस में बहुत बड़ा फोकस किया जाता है, मतलब एक अच्छे वाला फोकस किया जाता है। फोकस के एरिया डिस्कस करने के लिए हम लोग देख रहे हैं, उसमें टॉपिक बताऊंगा क्या क्या है, क्या क्या हो सकते हैं। करंट अफेयर, साइंस, जियोग्राफी। देखिए, ज़्यादा लालच मत पड़िएगा, मैं आपको ऐसा कोई जादू का मंत्र नहीं बताऊंगा कि आप 1 महीने में बस 10 विषय कंप्लीट कर देंगे। कहने को तो ज्योग्राफी भी है, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक्स भी है, यूपी स्पेशल भी है, एग्रीकल्चर भी है, यूपी का हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, यूपी का कल्चर है, इतना सब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अब मैं इसके कुछ ऐसे फैक्ट बता रहा हूँ जिससे आपको लगेगा कि इनको तो पकड़ना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से आप बहुत अच्छे से चीज़ों को लेकर निकल सकते हैं। मैं बताऊँ आपको, अगर आप बिना अभी भी नॉर्मल पढ़ाई करके भी पेपर देंगे तो आप करीब 85 क्वेश्चन तक भी पहुंच सकते हैं। तो आपको लगेगा कि पेपर मैं कर सकता था लेकिन थोड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, और कट ऑफ चली जाएगी 110-112 क्वेश्चन तक पे इस बार जैसा लग रहा है। तो जो 15-20 क्वेश्चन का गैप है ना, वो इस महीने में डिसाइड होता है कि आपने लास्ट के महीने को किस प्रकार यूटिलाइज़ किया, और ये सच है, है ना। 85 क्वेश्चन अगर हमारे बिना मेहनत किया जाते हैं तो हमको लगता है कि हम इंटेलिजेंट हैं और आखिरी के बस थोड़ी और मेहनत करते तो हमारा हो जाएगा, लेकिन 85 से लेके 115 तक क्वेश्चन तक पहुंचने वाला जो गैप है एक्चुअली वो बहुत बड़ा है, या 105 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन का जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप हो जाता है, और वो डिपेंड करता है कि आपने आखिरी समय में किस प्रकार से प्रिपरेशन की है। तो अब मैं अगर बताऊँ, आखिरी के 5 साल अगर पिछले के देखेंगे तो इन 3 टॉपिक का वेटेज जो अगर देखेंगे आप, तो इससे करंट अफेयर से करीब 30-32 क्वेश्चन आए हर बार। कलर में चेंज कर रहता हूँ, वाइट ही रखते हैं। 30-32 क्वेश्चन करंट अफेयर के। साइंस और एनवायरमेंट को अगर हम मिक्स कर दें तो 35-38 क्वेश्चन, अगर मेरी बात है भरोसा नहीं है तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और ज्योग्राफी के 20-22 क्वेश्चन, अब जोड़ लीजिए इनको कितना हो जाएगा, मतलब आप 150 में से करीब 90 के आसपास, 85-90 क्वेश्चन इन 3 सेक्शन से आप लोग निकाल सकते हैं, और ये वो सेक्शन है जहां से सबसे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आखिरी के 28 दिन में आपको ये सेक्शन अगर आप फोकस करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, लेकिन हाँ, आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वो उत्कृष्ट है, लेकिन इसको भी अगर आप साथ में इन 3 फैक्टर को ध्यान में रखते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो किसी से नहीं होते, तो वो सिलेक्शन डिसाइड नहीं करते हैं, सिलेक्शन यहाँ से डिसाइड करता है। करंट अफेयर जिसने नहीं किया होगा ना, वो छूटेगा क्वेश्चन, कोई इसमें नहीं है। साइंस एंड एनवायरमेंट, ये मैं अमूमन इसको मानता हूँ कि ये स्कोरिंग हो सकता है अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ा जाए तो। और ज्योग्राफी ट्रेडिशनल है,
अब इसमें कुछ ऐसे विषय भी हैं, करंट अफेयर में तो सब कुछ पढ़ना आपको पता होना चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड स्कीम्स सब कुछ, करंट अफेयर मतलब एवरीथिंग। इनके टॉपिक में बताऊंगा अभी कि क्या क्या हमको खास तौर से पढ़ने हैं। मैं कोई ऐसा मतलब अनअचीवेबल चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि जो अचीव ही ना की जा सके, है ना, वो जो हम अचीव कर सकते हैं और इस 28 जून को हम फ्रूटफुल बना सकते हैं। पॉलिटी हिस्ट्री को प्रीवियस ईयर के साथ जितना पढ़ सकते उतना पढ़िए, प्लस इनको जान लगा के पढ़िए। अगर आप 12 घंटे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 8 से 9 घंटे इन तीन विषयों पर जरूर दीजिएगा। अब आगे चलते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें अच्छी निकल के आ सकती हैं। अगर मैं एनवायरमेंट की बात करें तो एनवायरमेंट में एयर को करना जरूरी है, एयर में मतलब एयर की जो 7-5 लेयर है उसको जरूर करिएगा। ये मैं कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ जो कि आपको टिक मार्क लिख लीजिए और आपको टिक मारते रहिए, हाँ ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया। अच्छा, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और UPPCS जो भी सब्जेक्ट के कोच जो भी वीडियोज़ हैं वो आप चाहे तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं वो, उसके साथ लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो थोड़ी भी वर्थ लगती है तो। देखिए एयर, इसमें एयर की सारी जो लेयर्स हैं वो, उनमें क्या क्या फंक्शन होता है, प्लस ओजोन पढ़ लेना होगा साथ में, ठीक है, एयर का कंपोजिशन पढ़ लेना होगा, दैट्स ऑल। इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी और परितंत्र, इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना होगा, इनके एग्जांपल से क्वेश्चन में आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं, तीन टॉपिक से एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोम क्या होता है, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी में अलग अलग जो ये नेशनल पार्क हैं या बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इनकी क्या डेफिनेशन है, इनके क्या, इनके ऊपर क्या कानून आए हुए हैं, क्या क्या नियम इसके होते हैं, फिर भारत में कुछ इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व हैं, चाहे उसको ज्योग्राफी मानिए चाहे एनवायरमेंट मानिए, इन तीनों को लेकर चलिए साथ में। इकोलॉजी, इकोसिस्टम, फूड चेन वगैरह सब इसमें आ गया। कंजर्वेशन, संरक्षण, संरक्षण से क्वेश्चन आते हैं, संरक्षण जो IUCN वगैरह है, IUCN संस्था के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा एंडेंजर्ड है, कौन सा विलुप्त हो रहा है, कौन सा संकट में है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फॉरेस्ट्रेशन को लेके आ सकते हैं, वृक्षारोपण को लेके आ सकते हैं, मतलब कि जो पर्यावरण को लेके जो खतरा है वो आ सकते हैं, सॉइल इरोजन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, अर्बनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, वो आप टॉपिक देख सकते हैं। प्लस पॉल्यूशन, हर प्रकार का पॉल्यूशन इसमें कवर करिए, एयर, सॉइल, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये कवर होंगे, और इसी में हम लोग जितनी भी बीमारियां हैं इस पॉल्यूशन से होने वाली उसको एक जगह आप लोग कर सकते हैं और यहाँ आ सकता है। फिर पॉल्यूशन से एयर का क्या रिलेशन बनता है, कैसे कंपोजिशन मिक्स होती है, तो पैरामीटर चेंज होते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दो गैसों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंटरनेशनल कन्वेंशन पर्यावरण को लेकर जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के हुए हैं, चाहे स्टॉकहोम से हुआ 1972 से लेकर और 2015 पेरिस क्लाइमेट डील की जितनी भी बड़ी बड़ी कन्वेंशन है वो जरूर पढ़ लीजिए। जो अर्थ समिट हैं रियो से रिलेटेड, चाहे ग्रीन हाउस से रिलेटेड जितने भी क्योटो प्रोटोकॉल है या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, अलग अलग ओजोन से रिलेटेड, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी संधियां या जो भी वार्ताएं हुई हैं वो इंपॉर्टेंट है, लगातार परीक्षाओं में आता है, और उनके द्वारा लिए गए कुछ शपथ जैसे एजेंडा 21 हो गया या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गया, कोई ऐसी चीज़ें जो कि लगातार परीक्षाओं में आई हैं या देख सकते हैं। टॉपिक याद रहने से ना हम टिक मार लेते हैं कि हमारा ये हुआ कि नहीं हुआ। फिर 8वां है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आया है, आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इनकी डेफिनेशन बहुत क्लियर थॉरो होनी चाहिए, क्या ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग की क्या समस्याएं हैं, ग्रीन हाउस के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ग्रीन हाउस ज़्यादा होने से क्या समस्याएं हैं, कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, नई नई चीज़ें जरूर जरूर आ रही हैं, इनको क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है। फिर इनकी वजह से गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, कैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज की ओर जा रहे हैं, सोलर न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर आपको थोड़ा सा आना चाहिए, सोलर एनर्जी की ओर कैसे हम प्रमोट हो रहे हैं, हमारे कुछ टारगेट्स हैं, है ना, किस ईयर तक हमको क्या चीज़ें कवर करनी है, ये आप कर लीजिए। यहाँ से आपको 10 से 12 ईजी क्वेश्चन मिलेंगे, बता रहा हूँ ये ईजी पोर्शन है। अगर आप कर लेते हैं एनवायरमेंट, तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में पहले इंडिया की पैरामीटर्स, इंडिया के जितने भी की पैरामीटर्स हैं सारे आप लोगों को कर लेने हैं। अच्छा, अभी भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर लीजिएगा। मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों ने बोला कि आप बोल दिया कीजिए, सो दैट कि हम, क्योंकि वीडियो देखते वक्त याद नहीं रहता है, तो प्लीज़ लाइक। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कीजिए, वहाँ सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको। तो चलिए, इंडिया के की पैरामीटर्स पढ़ने हैं, मतलब इंडिया का फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो भी है सब पढ़ना है आपको, हिमालय पढ़ना है आपको, डेक्कन प्लेट्यू दक्कन का पठार पढ़ना है, भारत की बाउंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन इस साल आ सकता है बिकॉज बाउंड्रीज में कुछ चीज़ें हुई हैं, यूटीज वगैरह नए बने हैं, उसके बाद भारत से रिलेटेड जितने फैक्ट हैं आप पकड़ सकते हैं उसको, ठीक है ना। उसके बाद आ गया क्लाइमेट, मतलब भारत का मानसून और विश्व का जो क्लाइमेट है, ठीक है, जलवायु है, उस पर क्वेश्चन जरूर आता था, जो ओशनिक करंट वगैरह है वो सब आ जाता है। भारत के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय
वातावरण का क्या या जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है, मेडिटेरियन सी वगैरह का ये सब पढ़ सकते हैं आप, किस प्रकार भारत में कौन कौन से मानसून से कितनी वर्षा होती है, आता हुआ मानसून जाता हुआ मानसून, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। फिर इंटरनेशनल प्लेसेस कुछ है, अंतर्राष्ट्रीय स्थान है प्रमुखता के, चाहे वो उद्योग के हों चाहे वो किसी भी अन्य कारण से प्रसिद्ध हों, वो आपको आने चाहिए। मैं वो की चीज़ें बता रहा हूँ जो आप कर सकते हैं, वैसे तो बहुत कुछ है। अब बहुत लोग मुझे बोलेंगे कि इसमें कोई नया क्या बताया आपने, मैंने कुछ नया नहीं बताया आपको, मैं सिर्फ 28 दिन में क्या क्या और इम्पॉर्टेंट है जो हम कर सकते हैं। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मुझे आपसे ज़्यादा आता है, मैं हमेशा मानता हूँ कि दूसरी साइड बैठने वाला लिसनर मेरा मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो मैं दोनों तरह से शेयर करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप ये लिखेंगे कि बिना बात का ज्ञान मत दो, तो आप मत लीजिएगा ज्ञान। फिर इंटरनेशनल प्लेसेस जैसे मैंने बताया, फिर अंतर्राष्ट्रीय रूप से रिवर, भारत की भी नदियों के बारे में पता होना चाहिए, पूरा ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से, ड्रेनेज सिस्टम से और ग्लेशियर से लगातार क्वेश्चन पीसीएस दे रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर रिवर्स, माउंटेन, वॉल्केनोस, डेजर्ट मतलब मरुस्थल, फिर जल संधियाँ जो हैं, फिर लिंक्स जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री लिंक्स है, जैसे पनामा नहर है, स्वेज नहर है, अलग अलग है, वो स्ट्रेट्स हैं, बेरिंग स्ट्रेट है, इनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन आता है। कुछ प्रमुख आइलैंड, उनकी लोकेशन पूछ लेता है कहाँ पर है बेसिकली, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। इधर अगर तो नेचुरल रिसोर्सेज का आपको आना चाहिए, भैया पूरा भारत का तो अच्छे से आना चाहिए, कहाँ क्या मिलता है, छोटा नागपुर का पठार हो गया तो कोयला कहाँ मिलता है, लोहा कहाँ मिलता है, अलग 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 मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, वो आपको जरूर आइडिया होना चाहिए, वहाँ से आ जाता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कौन सी जगह किसके लिए फेमस है उतना तो आपको आइडिया होना चाहिए, चिली में क्या मिलता है, मैक्सिको में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, टिन कहाँ मिलता है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड फेमस प्लेसेस को भी याद कर लीजिएगा। जनजातीय, भारतीय भी और अंतर्राष्ट्रीय करवाई हुई है, देख लीजिएगा, सेंसस 2011 के ऊपर लगातार क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें कुछ डेटा अपडेट हुआ है उसे भी कर लीजिएगा। फिर मिसलिनियस क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो कि मिसलिनियस क्वेश्चन में टिपिकल ज्योग्राफी आ जाती है, चाहे उसमें सोलर सिस्टम कर लीजिए आप, चाहे हमारे रोटेशन से रिलेटेड कर लीजिए, वो बेसिक चीज़ है, मैं नहीं इस पर जा रहा हूं, लेकिन आपको कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें मिसलिनियस में हमारी लैंग्वेज आ गई, या कहीं की मुद्रा के बारे में पूछ लिया, है ना, स्टैटिक क्वेश्चन। अब अगर हम चले साइंस की ओर, तो साइंस की ओर देखिए बड़ी चीज़ें क्या हैं कि डिजीज़ में, डिजीज़ का पोर्शन बहुत आता है, और टिपिकल साइंस अभी नहीं आते, डिजीज़ आती है खूब सारे, डिजीज़ में खूब क्वेश्चन आते हैं। डिजीज़ दो टाइप के, लाइफ स्टाइल डिजीज, ट्रेडिशनल डिजीज। लाइफ स्टाइल मतलब डायबिटीज, मतलब डायबिटीज शुगर इसे बोलते हैं, या हार्ट डिजीज़, या जिसके बोलते हैं ब्लड प्रेशर की डिजीज़, या थायराइड, या ऐसी बीमारियाँ जो कि लाइफ स्टाइल की वजह से हो रही हैं वो। फिर ट्रेडिशनल परंपरागत डिजीज़ है ना, जो बड़ी बड़ी डिजीज हैं, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर या अन्य बड़ी डिजीज हैं उनकी वजह से, वो सारी कॉलरा, टाइफाइड, ये सब आ जाएगा। उसके बाद हमारी बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लीवर, किडनी, इन सब के फंक्शन आपको आने चाहिए, नर्वस सिस्टम है ना, एक्सक्रेटरी सिस्टम जो किडनी का है, वो सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। फिर कुछ प्रोसेसेस हैं वो आपको आने चाहिए, जैसे रेस्पिरेशन, श्वसन या डाइजेशन, ये कुछ प्रोसेस आपको आने चाहिए, एटलीस्ट ये आने चाहिए। अगर आप लोग वो फूल पत्तियों वाले बायोलॉजी से डरते हो, अगर वो नहीं पढ़ते हो तो भी काम चल जाएगा, मानिएगा बात को। फिर ये डाइजेशन हो गया, पाचन क्रिया या श्वसन क्रिया, ये सब भी आपको कर लेना होगा मिनिमम, आसान, इंटरेस्टिंग है ये, बिकॉज हमारी बॉडी से रिलेटेड है तो हम समझ भी जाएंगे। उसके बाद ब्लड को कर लीजिएगा, ब्लड इटसेल्फ एक अलग टॉपिक है, ब्लड से खूब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ब्लड कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद एनिमल किंगडम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सेल पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आ जाता है, प्लांट और एनिमल दोनों वाला पढ़ लीजिएगा, ईजी है। मैं टफ कोई चीज़ बोल ही नहीं रहा हूँ, लेकिन कितना स्कोर कर जाएगा आपको, या आपका स्कोर कितना इंप्रूव कर देगा, आपको ड्रास्टिकली फायदा इससे मिलेगा। केमिस्ट्री में अगर हम देखें, केमिस्ट्री में अगर आप देखिए, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको लगता होगा सर ये भी तो है, वो है, लेकिन एटलीस्ट ये जरूर आप सिक्योर कर लीजिएगा। केमिस्ट्री में मेटल नॉन मेटल जरूर कर लीजिए, इसमें कंपैरिजन आ जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट मेटल नॉन मेटल के फंक्शन आ जाते हैं, इनका यूज़ आ जाता है, इनकी एक्सट्रैक्शन आ जाती है, कैसे अयस्क वगैरह जो है, इसके ओर वगैरह है, सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एटमिक स्ट्रक्चर हो गया, एटम से रिलेटेड सारे इफेक्ट की चीज़ें आनी चाहिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की एक्टिविटी पूरी आनी चाहिए, रेडियो एक्टिविटी का, रेडियोधर्मिता का कंसेप्ट आना चाहिए, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपको आने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। फिर कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड है जिसको आपके नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि ये किस लिए यूज़ होता है, जैसे कि कई बार आता है, बहुत बेसिक बता रहा हूँ, वो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या प्लास्टर ऑफ पैरिस या जिप्सम, इन सब के केमिकल फार्मूला आ जाते हैं, इन सब का यूज़ आ जाता है, तो इस टाइप की चीज़ें जरूर पड़ेगा। 20-25 हैं, तो टॉलविन हो गया, फिनॉल हो गया है ना, एसिटिक एसिड हो गया, इन सब का यूज़ आ जाता है, या H2SO4 हो गया, जैसे कई सारे केमिकल कंपाउंड हैं जिनके काम आ जाते हैं। फिर है केमिकल रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं वो आ सकती हैं, रेडियोधर्मिता के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, पीएच वैल्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, बैटरी सेल के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी।
फिजिक्स में अगर आप देखें तो सबसे पहले लाइट जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है फिजिक्स के पोर्शन से। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जरूर कर लीजिएगा, आजकल बड़ा फेवरेट हो गया है ये बोर्ड का, लास्ट टाइम भी आया था। ठीक है, मोशन लास्ट में करिएगा, जरूरी नहीं से आए। साउंड जरूर कर लीजिएगा इसके साथ रिलेट करके, और वर्क पावर एनर्जी, इसमें तो सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें पढ़ लीजिएगा बस। तो ये पोर्शन हो गया मेरे हिसाब से। इतनी चीज़ें अगर आप इन तीनों करंट अफेयर और एनवायरनमेंट और साइंस से मिला कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको लगता है कि एक 20 से 25 दिन का मैं कुछ ऐसा क्वेश्चंस का एक क्रैश कोर्स अगर चलाऊं तो उसी सलाह मुझे दीजिएगा कि जब सिर्फ यही तीन सब्जेक्ट को हम डील करें तो क्या आपको लगता है, उसमें मुझे बताइएगा, फिर मैं कंसिडर करूँगा और इसका एक अलग से बैच चलाएँगे। ठीक है, कन्फर्म नहीं है, वो आपकी सजेशन के ऊपर होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें ठीक लगेंगी और निश्चित रूप से आपके जो मार्क्स हैं उनमें 10 से 15 क्वेश्चन की बढ़ोतरी जरूर कर देंगे। थैंक यू सो मच।